गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9-10 की है क्लास। तो आपको पता है आपके 4-5 इम्पोर्टेंट जो बोर्ड से कनेक्टेड जो है टॉपिक है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटी हो गया। इससे पहले जो है वीडियो में हमने पार्ट ऑफ स्पीच, फैमिली ऑफ ग्रामर के कुछ पार्ट पढ़े थे कि कितने भाग होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और किस प्रकार सेंटेंस को उन्हें पता लगाया जाता है। तो एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बाद में लेके काफ़ी बच्चों की ये समस्या आती है। तो आज हम टेंस स्टार्ट करेंगे। काफ़ी चीज़ें आपको पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। टेंस क्या होता है आपको पता है, कितने टाइप का होता है वो भी आपको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीन भागों में इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। आपको पता है प्रत्येक का 4 पार्ट है, प्रत्येक सेंटेंस के कितने पार्ट है, 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। हमें क्या करना है, इनके भी जो है प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं, अफर्मेटिव या सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मतलब 3 × 4 = 12 और 12 × 4 = 48। एक सेंटेंस से हमें 48 सेंटेंस बनानी। ये बिल्कुल जो जनरल चीज़ थी, आप लोगों को सबको आती है कि टेंस क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने उसके भाग होते हैं, ये चीज़ आपको पता थी। मैं केवल एक सेंटेंस को यहीं स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी से को करने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है या क्या क्या हमें आवश्यक होगा उसको स्टडी करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए, नंबर 1, रिकॉग्नाइजेशन, इसको हम पहचान बोलते हैं। जो हिंदी का वाक्य आता है उसकी क्या पहचान होगी, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर सेंटेंस की रिकॉग्नाइजेशन हमें कैसे पता लगानी है। दूसरा हो गया इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और तीसरा हो गया मेन वर्ब। आप सभी स्टूडेंट्स के पास एक टेंस का चार्ट होगा पिछली बार का, तो आप एक बार जो टेंस चार्ट है उसको देख लेना। अगर याद नहीं है तो एक बार उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देख लेना और लर्न कर लेना। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रत्येक टेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें आप कंपल्सरी हो गई, उसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और एक है अगर अदर में कोई रूल है तो अदर। इसकी पहचान क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, केवल एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, आदि। जो भी हिंदी वाक्य आता है उसके लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस प्रकार के शब्द दिखेंगे, उसका मतलब हो गया कि वो जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू, डज, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कब आएगा, जब हम इसकी रिकॉग्नाइजेशन, इसकी पहचान याद होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब याद होगी
और इसका इसकी मेंबर याद होगी। अदर के अंदर देखो, इसके अंदर रूल आता है ही सी इट और वन नो आई यू वी दे या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस ई एस आपके मेंबर के साथ लग जाएगा, अगर प्लूरल है तो केवल आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ये भी आपको पता है, रूल है। एक बार रिपीट करता हूँ, डिफरेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं। रिकॉग्नाइजेशन होती है इसकी, ता है, ती है, ते है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, मेंबर हो गई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अदर के अंदर एक एस सी एस का रूल लगता है, सिंगुलर के साथ एस सी एस रूल हम लगाते हैं। किस प्रकार लगाते हैं, कैसे करते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके। महेश आम खाता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसकी रिकॉग्नाइजेशन को पता लगाया कि लास्ट में आ गया ता है। ता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और रूल्स के अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है पता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इन जो फॉर्मूलेज हैं आपको उनमें नहीं जाना है, क्योंकि बाद में जाकर वो कंफ्यूजन कर देते हैं। आपको डायरेक्ट समझना है कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। तो देखो यहाँ क्या नाम आया है, महेश, तो मैंने लिख दिया महेश। उसका काम क्या है, क्रिया क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है वो खाना, ठीक है। तो वर्ब क्या है, खाना, तो ईट, ठीक है। अब महेश वन नेम आ गया तो एस और ई एस का रूल लगेगा, वर्ब के साथ एस ई एस लगता है तो ई ए टी इसके साथ हमने लगा दिया एस। महेश ईट्स, क्या खाता है वो, खा रहा क्या, मैंगो। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। महेश ईट्स मैंगो, ये देखो केवल हुआ है हमारा अफर्मेटिव। अब हमें करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में हिंदी में क्या बनेगा, महेश आम नहीं खाता है, महेश अब यहां एक याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आता है केवल उसमें एस ई एस का रूल लगता है, बाकी जो आएंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनमें क्या होगा, डू डज का यूज होगा, एस ई एस नहीं लगेगा। अब डू का यूज कहाँ होगा और डज का यूज कहाँ होगा, तो देखिए सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव, यहाँ एस ई एस नहीं लगाना। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी महेश, और महेश सिंगुलर है तो डज, फिर नहीं नॉट, ईट। अब इस बार एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिए मैंगो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखो सिंपल है, क्या महेश आम खाता है, क्या महेश आम खाता है, क्या महेश आम खाता है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती है, अलग प्रश्नवाचक हो जाता है सेंटेंस। तो क्या स्टार्ट में आ रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो डज महेश ईट मैंगो, और क्या महेश आम नहीं खाता है, तो डी ओ एस डज महेश नॉट ईट
दैट मैन इज नॉट ए मैंगो। इस प्रकार से हमने बनाया। एक सेंटेंस को और सॉल्व करते हैं हम। वे रोज जयपुर जाते हैं। अभी शुरुआत में जो है सेंटेंस जो है सिंपल ले रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। एक्सरसाइज काफी सेंटेंस के साथ हम करेंगे। तो देखो वे दे क्रिया क्या हो रही है जाना। किसी स्थान पर जाना टू और किसी स्थान को छोड़ना फ्रॉम। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दे गो टू जयपुर और कब जाते हैं रोज जाते हैं तो डी ए आई है। दे गो टू जयपुर दे इसमें गो ऐसी एस नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी दे क्या है प्लूरल है नेगेटिव हो जाएगा। दे डू डू क्यों आया क्योंकि दे क्या है प्लूरल है इसलिए डू आ गया। दे डू नॉट गो टू जयपुर दे। अब प्रश्नवाचक आ जाएगा तो डू पहले आ जाएगा। डू दे गो टू जयपुर दे और डू दे नॉट गो टू जयपुर दे। इस प्रकार हो गए। अब आपको कुछ सेंटेंस लेने हैं अपने मन से जिसके लास्ट में ता है टी है ते है ता हूं आदि आए और उनके जो है आपको चार चार सेंटेंस बनाने। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट डाल के बता सकते हो। थैंक यू।